सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस लाइन स्थित ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह का प्रशिक्षण पूरा कर 336 महिला रिक्रूट आरक्षी यूपी पुलिस का बनी हिस्सा। सुबह बनारस क्लब का जानलेवा चाइनीज मांझे के विरोध में आर्य महिला कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 5 वर्षों से अधिक समय तक गुमशुदा व्यक्ति को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने आजमगढ़ से किया बरामद। और 80 घाट के गंगा उस पार रेती पर बुधवार की शाम नाविकों और घोड़े वालों में जमकर हुई मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन स्थित ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीने के प्रशिक्षण पूरा कर बुधवार को 336 महिला रिक्रूट आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनी। पुलिस लाइन स्थित ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर बुधवार को 336 महिला रिक्रूट आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनी। इसके मद्देनजर पुलिस लाइन में भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत परेड के बाद महिला आरक्षियों को एडीजी जोन राम कुमार ने शपथ दिलाई। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन राम कुमार ने महिला आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाते हुए सदैव भारतीय संविधान में आस्था रखने की सीख दी। एडीजी जोन ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें संयम का परिचय देते हुए सदैव विधि सम्मत काम ही करना है। प्रशिक्षण केंद्र में मिली सीख को हमें सदैव याद रखना है और निरंतर अध्ययन कर अच्छी चीजें सीखते रहना है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान जिन महिला रिक्रूट आरक्षियों ने अंतःकक्षीय और बाह्य विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। एडीजी जोन ने वाराणसी कमिश्नरेट में भव्य परेड आयोजित के लिए कमिश्नरेट के सभी अधिकारियों और जिन्होंने महिला आरक्षियों की ट्रेनिंग कराई है उन्हें बधाई दी। जनता से सच्चाई व शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगी। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। पुत्री शपथ लेती हूँ कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति राजभक्ति का परिचय दूंगी। एक पुलिस अधिकारी के समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अपने ऊपर लेने में सहमत होती हूँ। फुटवियर मंडी आगरा के आह्वान पर 500 के नीचे के फुटवियर में 12% जीएसटी जैसा काला कानून लागू करने के विरोध में बनारस अंद्रापुल तेलियाबाग के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर हड़ताल का समर्थन किया। विश्व प्रसिद्ध फुटवियर मंडी आगरा के आह्वान पर 500 के नीचे के फुटवियर में 12% जीएसटी जैसा काला कानून लागू करने के विरोध में हम बनारस अंद्रापुल तेलियाबाग के सभी व्यापारियों ने भी हड़ताल का समर्थन कर अपनी दुकानें बंद करके इस कानून का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि इस काले कानून को रद्द किया जाए वरना यह आंदोलन देशव्यापी रूप भी ले सकता है। विगत 2 वर्षों से हमारी कोरोना की महामारी की वजह से हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं और हम लोग अपनी दुकानों का पूरा किराया भी नहीं भर पाए हैं, न ही अपने स्टाफ को पूरा पगार दे पाए। उसके बावजूद भी सरकार हम सबके ऊपर और बड़ी पहाड़ ढकेल रही है जिससे कि आम व्यापारी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसलिए इस काले कानून को रद्द किया जाए वरना हम सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोगों ने पूरे मार्केट तेलियाबाग आंध्रापुर से लेकर तेलियाबाग के जितने भी व्यापारी हैं ये भी हैं सब लोग हैं लेडीज जेंट्स ब्रांडेड से लेकर सभी व्यापारी यहाँ पर हैं। सभी लोगों ने आज दुकान बंद कर अपना विरोध जाहिर किया है। इनका कहना ये है कि इस कोरोना काल से वैसे ही परेशान है व्यक्ति, अभी उस चीज़ से उभरे नहीं है। फिर आप जो तो 7% टैक्स इंक्रीज कर दिए, उसके बाद आपके पास पहले से हम लोगों के पास स्टॉक है जो कि पक्के से माल आता है। ऑलरेडी हम लोगों के पास स्टॉक जितने हैं सबके व्यापारी के पास होगा, उस पर भी 7% फिर से टैक्स लग रहा है, दोबारा एक तरीके देना पड़ेगा। तो ये तो गलत है ना। सरकार कम से कम ये तो करे कि 5% जो पहले से जीएसटी उस पर 7% ना लगाए, अगर बढ़ानी चाहता है उसकी नियत ये तो एकदम सरासरा मनमानी है। बुधवार को वाराणसी रनिंग शाखा द्वारा रनिंग शाखा मंत्री श्याम झा के नेतृत्व में रनिंग कर्मचारियों के पदों के सरप्लस पदोन्नति न होने तथा रनिंग रूम की दुर्व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को वाराणसी रनिंग शाखा द्वारा रनिंग शाखा मंत्री श्याम झा के नेतृत्व में
रनिंग कर्मचारियों के पदों के सरप्लस पदोन्नति न होने तथा रनिंग रूम की दुर्व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया। इस सभा को रमेश मिश्रा जोनल सचिव NFIR नई दिल्ली ने संबोधित करते हुए कहा कि 7 जनवरी को रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी पत्र के अनुसार जहां रनिंग कर्मचारियों ने गत वर्ष 870 MT के स्थान पर 1084 MT माल की ढुलाई की है वहां कर्मचारियों को सरप्लस किया जाए न्यायोचित नहीं लगता। इसी तरह 150 व जो पदोन्नति कोर्स पास किए हुए हैं जिनकी पदोन्नति माल पायलट में की जानी है उन्हें पदोन्नति नहीं प्रदान किया जा रहा है और उनके स्थान पर सरप्लस करने का कार्य किया जा रहा है। रनिंग कर्मचारियों को भविष्य में गार्ड की ड्यूटी के भी कार्यों को देखने की प्रक्रिया अन्य रेलवे में चल रही है। लोको पायलट आज के दिन विषम परिस्थितियों में गाड़ियों को कुशलता पूर्वक चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में पायलटों के पदों को समाप्त करने से संरक्षण सीधे प्रभावित होगा। सभा को मोहम्मद एजान, जितेंद्र तिवारी, संजय तिवारी, दिग्विजयनाथ पांडे और कई लोको पायलट ने संबोधित किया कि पूर्व में दिए गए रात्रि भत्ता की निर्धारित 36,800 की लिमिट NPS की समाप्ति निजीकरण निगमीकरण के समाप्त करने जैसे विषयों पर विचार प्रकट किए। सभा की अध्यक्षता राहुल कुमार ने किया। हम लोग कहते हैं कि हमको विश्राम चाहिए, हमको गाड़ियां चाहिए जो इंटर डिवीजन इंटर रेलवे की गाड़ियां हैं जो बनारस स्टेशन से चल रही हैं, बनारस सिटी से चल रही हैं, छपरा से चल रही हैं, जो हमारे डिवीजन की गाड़ियां हैं वो हमको गाड़ियां दो। ये जो पदों का अभ्यर्थन करना शुरू किया है, सरप्लस किया है, इसको समाप्त करो, हमको प्रॉपर रेस्ट दो और छुट्टियाँ जब आवश्यकता पड़ने पर छुट्टियाँ दो, यही हम लोग की मांग है और इसी को लेकर के आज हैं ज्ञापन देंगे। हमारे स्टाफ को साप्ताहिक विश्राम तक नहीं मिलता, जहां एक आदमी 14 दिन में 96 घंटा काम करता, हमें 104 घंटे का टारगेट दिया गया है, हम उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, हमें वीकली रेस्ट नहीं मिलता, हम अपने घर नहीं आ पाते, उसके बावजूद ये प्रशासन पता नहीं कौन सा फार्मूला लगा कर किसने पदों को सेंडर कर दिया है। यह पूरी की पूरी मिस प्लानिंग हमारे सीनियर डी ऑपरेशन की है, उनके अंदर कंट्रोल में बैठे हुए लोगों की है, उसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ेगा। 80 घाट के गंगा उस पार रेती पर बुधवार की शाम नाविकों और घोड़े वालों में जमकर मारपीट हुई। 80 घाट के गंगा उस पार रेती पर बुधवार की शाम नाविकों और घोड़े वालों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान घोड़े वालों ने चिड़िया मारने वाली बंदूक भी जमकर लहराई और नाविकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें बाबूलाल नामक नाविक घायल हो गया। इस घटना के बाद नाविकों ने 80 घाट पर मौजूद पुलिस के जवानों को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस संबंध में दीपक साहनी नामक नाविक ने बताया कि आए दिन घोड़े वाले रेती पर घुमाने के नाम पर सैलानियों से पैसे को लेकर अभद्रता करते हैं। ये पहले जबरदस्ती घोड़े पर सैलानियों को बैठा लेते हैं, फिर ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। इसी क्रम में आज जब नाविक बाबूलाल ने इसका विरोध किया तो इन्होंने उसे अकेला पाकर मारना पीटना शुरू कर दिया। इस संबंध में भेलूपुर प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गंगा उस पार लड़ाई की सूचना पर 80 घाट पर तैनात जवानों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। हम घटना और आरोपों की जाँच कर रहे हैं, जाँच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। सर्किट हाउस में मनोरम योजना को लेकर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोरम योजना के बारे में लोगों को बताया। मनोरम योजना को लेकर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मनोरम योजना को लेकर प्रदेश में रजिस्ट्री होने के फलस्वरूप कम से कम 1.5 करोड़ लोगों का निबंधन कार्यालयों में आना जाना होता है। प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, अतः प्रदेश के नागरिकों को निबंधन कार्यालयों में मूलभूत सुविधाएं एवं स्वच्छ कार्य प्रणाली देने के PM नरेंद्र मोदी के निर्देशन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में विभाग द्वारा मनोरम योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में साफ पानी की व्यवस्था, साफ सुथरे प्रतीक्षा कक्ष, उसमें आरामदायक फर्नीचर, निबंधन हेतु डिस्प्ले एवं टोकन प्रणाली, रंग रोगन युक्त सुंदर स्वच्छ एवं साफ भवन की व्यवस्था की गई है। इसी योजना के अंतर्गत PM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के निबंधन कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1 करोड़ के आसपास पब्लिक का रजिस्ट्री ऑफिस से प्रतिवर्ष तबका होता है, उनका आना जाना होता है। रजिस्ट्री ऑफिस के जीर्णोद्धार के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि सारे ऑफिस अच्छे ऑफिस बनाए जाएँ, जो लोग वहाँ जा रहे हैं वह स्टाम्प के रूप में टैक्स देने जाते हैं, प्रॉपर उनके लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो, साफ़ सुथरी हो, बैठने की व्यवस्था हो, फर्नीचर हो, किसी को इंतजार न करना पड़े। स्वास्थ्य इस मनोरम योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर फर्नीचर, वेटिंग एरिया, वाशरूम, पेयजल, जो बेसिक सुविधाएँ थी उनको फंड दिया गया, उनका लोकार्पण किया गया। साथ ही साथ जहाँ पर 3 तले तक बिल्डिंग थी उनके लिए लिफ्ट व्यवस्था कराया जा रहा है हम लोग, और लगभग बनारस के अंदर भी जो हमारे रजिस्ट्री ऑफिस हैं शहर के, उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, वहाँ पे लिफ्ट लग रहे हैं। वाराणसी के रामनगर में माँ काशी नरेश के द्वारा दी भवन में चल रहा था, जो काफ़ी जीर्ण स्थिति में था, एक नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। अब आने वाले वहाँ पर क्रेता, विक्रेता, अधिवक्ता, गवाह को बेसिक सुविधाएँ वहाँ मिले। धर्म शिक्षक भर्ती में शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समकक्ष न मानने के संदर्भ में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं ने एसीएम चतुर्थ शिवांगी दीक्षित के माध्यम से जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। धर्म शिक्षक भर्ती में शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समकक्ष न मानने के संदर्भ में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं ने एसीएम चतुर्थ शिवांगी दीक्षित के माध्यम से जिलाधिकारी के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने बताया कि भारतीय सेना के धर्म शिक्षक पद पर हो रही भर्तियों में शास्त्री की डिग्री को स्नातक बीए के समकक्ष सेना मुख्य द्वार एवं एआरओ आगरा द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया है, जबकि भर्ती प्रतिक्रिया में क्रम में छात्रों का फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराकर मुख्य परीक्षा में लगभग शास्त्री डिग्री धारकों को वंचित किया जा रहा है, जबकि मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र भी प्राप्त हुआ और इसके बाद सेना के मुख्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि शास्त्री की डिग्री धारकों को परीक्षा से वंचित किया जाता है, कि इसके पूर्व शास्त्री की डिग्री के आधार पर धर्म शिक्षक आरटीजेसीओ के पद पर भर्ती होती आ रही है। हमारी डिग्रियों को भारतीय सेना में जो धर्म शिक्षक पद पर है उस सेना मुख्यालय ने मेन समय पे हमारा मेडिकल कराया, हमारा फिजिकल कराया, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए और हमारे एडमिट कार्ड भी दिया कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके जस्ट कुछ ही मिनट दिन बाद हमें एक लेटर देते हैं कि आपकी शास्त्री की डिग्रियां बीए के समतुल्य नहीं मानी जा रही हैं और हम इस पर विचाराधीन कर रहे हैं, जबकि इसके पूर्व हमारी ही डिग्रियों से न जाने कितने धर्म गुरुओं की भर्ती भारतीय सेना मुख्यालय में की गई। अब आज के डेट में लगभग 800 लड़कों का भविष्य अधर पे अटक गया है और वो तमाम लड़के अब दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। इसी क्रम में हम जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय से उसके लिए एक ज्ञापन दिए हैं और अगर हमारी बातें जल्द से जल्द नहीं सुनी जाएंगी तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि अब हमारा भविष्य अधर में अटक चुका है। और यहाँ वक्त पिछला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ बेस्ट फंडामेंटल बेस्ट प्लेसमेंट सेट। वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेडीएसएल। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Hum todenge ye sannata. करेंगे बात आपकी, बात बना रहे पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, 2 गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। सच के साथ।
और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष चाइनीज मांझे के विरोध के मद्देनजर मांझे की बिक्री अभी भी धड़ल्ले से हो रही है। आगामी पर्व मकर संक्रांति को देखते हुए सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लोहरावीर स्थित आर्य महिला पीजी कॉलेज में शहर के प्रबुद्धजनों ने चाइनीज मांझे के बहिष्कार के लिए शपथ ग्रहण किया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक समाज सेवी डॉक्टर अशोक कुमार राय, आर्य महिला पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रचना दुबे, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित, महासचिव राजन सोनी एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में लगातार लोगों का गला कटने के साथ साथ पशु पक्षियों के जान लेने पर आपदा एवं प्रत्येक साल विरोध करने के बावजूद बाजार में बिक रहे कातिल जानलेवा चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ लोहरावीर स्थित आर्य महिला पीजी कॉलेज के परिसर में छात्राओं ने आगामी पतंग के पर्व मकर संक्रांति को देखते हुए भैया मेरे याद रखना चाइनीज मांझे का बहिष्कार करना आदि नारों के साथ एक स्वर में शपथ ली कि हम शपथ लेते हैं कि हम अपने अपने भाइयों के साथ ही आस पड़ोस के बच्चों को चाइनीज मांझे के दुष्परिणामों के बारे में जागृत करते हुए उन्हें कातिल चाइनीज मांझे से पतंग न उड़ाने के लिए प्रेरित कर उनमें जागरूकता लाएंगे, इसका बहिष्कार करें। और सरकार से भी हम विनती करेंगे कि वो भी इस पे कोई कदम उठाए और इसको इसके बिक्री से कुछ तो मतलब उसको रोके, इसका बिक्री ना करने दें। और लोगों को अगर सरकार मना कर देंगे, बैन कम्प्लीटली बैन हो जाएगा, तब लोग कहाँ से इसको खरीदेंगे। लेकिन सरकार के तरफ से ये जरा सा, हम तो सॉरी टू से, सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है, इसलिए लोग इसको सस्ता मिल रहा है तो लोग, और सुविधा है तो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में ये लोग नहीं जान रहे। छात्राओं से यह शपथ दिलाएं कि वो अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों और अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करेंगे कि वे चाइनीज मंजे से पतंग ना उड़ाएँ, क्योंकि जानलेवा चाइनीज मंजा रोज नित्य प्रतिदिन लोगों का गला काट रहा है, इससे कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो हमारा यह अपील है हमारे काशीवासियों से, मकर संक्रांति के पर्व को मनाएं, लेकिन चाइनीज मंजे को प्रयोग में ना लेकर देसी मंजे से मनाएं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित, राजन सोनी, अनिल केसरी सहित राष्ट्रीय सेवा योजना की सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। 5 वर्षों से अधिक समय तक गुमशुदा व्यक्ति को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने भवरनाथ थाना कंधरापुल जनपद आजमगढ़ से बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। 5 वर्षों से अधिक समय तक गुमशुदा व्यक्ति को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने भवरनाथ थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ से बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। 5 वर्षों से गुमशुदा अरविंद उपाध्याय न्यायालय में चल रहे पत्नी के साथ वाद में न्यायालय को गुमराह करने की नीयत से माता पिता के सहयोग से अपने मूल निवास के पास ही किराए के मकान लेकर 5 वर्षों से रह रहे थे और परिजनों ने उनके गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सारनाथ पुलिस 5 वर्षों से गुमशुदा अरविंद उपाध्याय को बरामद कर तथा जांच के क्रम में फर्जी गुमशुदगी व षड्यंत्र के तहत गायब होने पर मुकदमा अपराध संख्या 6/2022 धारा 49, 420, 467, 468, 47, 82, 88, 820 BIPC पंजीकृत कर गुमशुदा अभियुक्त अरविंद उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस इस साजिश में शामिल उनके माता पिता की तलाश कर रही है। इस संबंध में ADCP वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत गुमशुदगी नंबर 4/207 के गुमशुदा अरविंद उपाध्याय पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय निवासी सा 7/5 बेनीपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी की तलाश हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के आदेशित प्रपत्रों के क्रम में गुमशुदा अरविंद उपाध्याय की बरामदगी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। क्राइम टीम सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी टीम द्वारा 4 जनवरी को सर्विलांस और मुखबिर के माध्यम से भवरनाथ थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ से गुमशुदा अरविंद कुमार उपाध्याय को बरामद कर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी पर लाया गया। ACP सारनाथ के नेतृत्व में SHO सारनाथ और सब इंस्पेक्टर संग्राम सिंह के द्वारा ये बरामदी की गई है, जिसमें ये मुलजिम बरामद हुआ है। इसमें जो तथ्य संज्ञान में आए हैं उससे ये पता चलता है कि जानबूझ करके इन्होंने अपने आप को छुपा करके न्यायालय को भी गुमराह किया और कानून के अनुपालन में बाधा उत्पन्न करी। इसमें इनके अलावा इनके माता पिता को भी मुलजिम बनाया गया है।
जिनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और विवेचना के अनुक्रम में जो अन्य तथ्य आएंगे उसमें जिन जो अन्य मुलजिम बनेंगे उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सरदार सतनाम सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस ही देश में अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्म और समुदाय का हित सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सरदार सतनाम सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस ही देश में अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्म और समुदाय का हित सुरक्षित है। उन्होंने कहा, जब से देश में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आई है, अल्पसंख्यकों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं सर्वाधिक बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार हिंदू धर्म को खतरे में बताकर दूसरे संप्रदाय के लोगों को निशाना बना रही है, जिससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ी है तथा भाजपा आपसी भाईचारा के बीच खाई पैदा करने का राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, सिंधी तथा सभी के साथ उत्पीड़न और अन्याय हो रहा है। अफवाहों को हथियार बनाकर लीचिंग जैसे जघन्य कृत्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हरिद्वार धर्म संसद में एक समुदाय विशेष के खिलाफ और छत्तीसगढ़ धर्म संसद में राष्ट्रपिता के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की गई वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बीजेपी के किसी एक नेता ने इसकी तनिक भी निंदा नहीं की, बल्कि बापू को गोली देने वाले कालीचरण को जब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने सलाखों के पीछे करवाया तो एमपी सरकार ही उसके बचाव में कूद पड़ी, जो इस बात का द्योतक है कि बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश को धर्म के आधार पर बांटने का षड्यंत्र कर रही है। प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के राज्य में हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित समझ रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, वो सारे लोग अपने असुरक्षित, सबसे ज़्यादा अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश नहीं, देश के विभिन्न कोनों में अल्पसंख्यकों पर जितना ज़्यादा जुल्म, उत्पीड़न और शोषण हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। मलिन बस्ती माधोपुर चौराहा, शिवपुरवा चौराहा वार्ड नंबर 4 इस समय पेयजल, सीवर व सड़क की समस्या से जूझ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोग धरने पर बैठ गए। मलिन बस्ती माधोपुर चौराहा, शिवपुरवा चौराहा वार्ड नंबर 4 के लोग पिछले कई दिनों से पेयजल, सड़क व सीवर की समस्या को लेकर परेशान है। इस बीच बुधवार को उनका धैर्य जब जवाब दे दिया तो धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना था कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई बार हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद व विधायक का ध्यान दिलाया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। यदि अब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग नगर निगम पर धरना देंगे। इस धरना और प्रदर्शन में बबीता, सुधीर कन्नौजिया, रामजी कन्नौजिया, आशीष प्रजापति, वंशीधर, धनराज, अजय, अभिनव चौधरी, मंदिर देवी, संतोष साजी आदि शामिल थे। यहाँ पर बहुत दिक्कत है भैया, हम लोग का नाली नहीं सही है, सड़क देख लो यह टूटा फूटा है, कॉलोनी के तो पहले सुनवाई हो रहा है, गरीबन का कोई सुनवाई नहीं है, कूड़ा कचरा जैसे रहे, गरीब तो है ही, लाट से कचर के चलो, जूता मार के चलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग हो भी है ना, नीचे तो रहेंगे, कॉलोनी वाले ऊपर जाएंगे नहीं। पानी उनी कैसे मांगा लो? पानी हम लोग लिया होते हैं, बोतल का पीते हैं। हम पूरे जनता प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि 3 वर्षों से मैं लगातार यूपी पोर्टल पे भी डाला हूँ निवारण के लिए, और माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव से भी मैंने बोला, मैंने जो है यहाँ की शशिकला सोनकर जी जो सभासद है उनसे भी बोला कि आ करके आप इस कार मतलब यहाँ के जो है क्षेत्रीय लोगों की समस्या को दूर कीजिए, लेकिन कोई समस्या दूर नहीं हो रही है। मैं वोट मांगने किस कैसे जाऊँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण मैं किस मुँह से अपने भाइयों से वोट मांगूँ? सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर न राशन कार्ड बनाया गया है, माननीय सभासद वोट लेकर के जब से गए हैं उसके बाद आकर के घर घर पूछना तो चाहिए कि भैया सबको भोजन राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। आप कोरोना काल की बात करते हो, कोरोना काल के समय में सबको राशन मिला, मलिन बस्ती धोबी बस्ती है, आपको जानना चाहिए। आप यहाँ से वोट लेकर के गए हैं, आप इस वार्ड से जो 2800 वोट पाते हैं उसके बाद आपका ये जो मतलब तरीका है ये बिल्कुल अनैतिक है,
और आपको जो बता दिया गया कि हम पानी की समस्या लगातार आज 7 वर्षों से बनी हुई है और आप बोल के लिए आप बनाया गया तो क्या दिक्कत है भैया, आकर के विधायक 8 या 10 दिन के अंदर में विधायक आए सौरभ श्रीवास्तव सुबह के समय देख करके गए, अपने साथ 4-5 कार्यकर्ताओं को भी लेकर के आए थे। उसके बाद हमने 3 बार उनको फोन करके भी बोला कि आकर के जाँच करिए और इसको काम करा कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई आए ही नहीं और बात करने आते हैं, बोल रहे हैं 10 दिन बाद पहले आए हम यह करा देता हूँ, अभी तक कोई निवारण नहीं हो रहा है। सर दिक्कत बहुत है, परेशानियाँ फीवर लाइन को लेके हैं, यहाँ लोग माताएं बहनें झेल रही हैं, पानी को लेके है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। अगर विधायक को अगर जरूरत होती है वोट लेने के लिए तो वो 4 दिन गली में नाचते हैं यहाँ से लेके पूरा माधोपुर गली में, लेकिन किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास पानी की जरूरत है, किसी का फीवर लाइन बैठा हुआ है। इस चीज़ के लिए कंप्लेन के लिए उनको वहाँ पे दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। बस केवल आश्वासन देते हैं कि कल हो जाएगा। कल किसने देखा है? वो कल अगर वोट पड़ने के लिए आएंगे हम बोलेंगे कल हो जाएगा, उनको वोट देंगे कल, हम किस मुद्दे पे वोट देंगे उनको? जब हमारे कार्य में आप सहमत नहीं हैं, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो किस बेस पे आपको हम अगले चुनाव में आपको हम विधायक के रूप में या पार्षद के रूप में चुने? आप क्या किस कार्य के लिए हैं यहाँ पे, आप बस इसका जवाब दे ही दें। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी द स्कॉलर्स होम का 23वां वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव की तीसरी निशा बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा स्थल लहरतारा में आयोजित हुई। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी द स्कॉलर्स होम विद्यालय गुलगड्डा का 23वां वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव का तृतीय दिन दिनांक 5 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा स्थल लहरतारा में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन जिला पंचायत जनपद वाराणसी की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथि स्वागत विद्यालय के निदेशक वीरभद्र सिंह ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। स्वागत गान के साथ अतिथि सम्मान करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने कार्यक्रम के शीर्षक अरुणिमा पर प्रकाश डालते हुए उसकी गरिमामयी पहचान को लालिमा युक्त सौंदर्य की छटा को बिखेरते हुए प्रकृति के नियमों पर विचार व्यक्त करते हुए इस प्रकृति नियम को परिवर्तित न होते हुए बताया। इसके पश्चात क्रीड़ा महोत्सव का शुभारम्भ छात्र छात्राओं ने मिले जुले पुरातन गीतों को संग्रह कर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दौड़ प्रतियोगिता का प्रदर्शन भी बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किए। उसके बाद त्रिदिवसीय कार्यक्रम का समापन होली डांस से किया गया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की अध्यक्षा नीतू सिंह ने दिया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। सच के साथ।